Hey guys, assalamu alaikum. This is Minnie Ali. Welcome to my YouTube channel. तो मैं चुकी हूँ बिल्कुल रेडी और मार्केट का कुछ काम रह गया था, लेकिन वो आज नहीं हो सकता क्योंकि आज संडे तो मार्केट वगैरह सब बंद है। तो कुछ काम चेस से पे था, तो हम लोग बस चेस जा रहे हैं। तो बस हम लोग निकल गए, अब उधर चेस पहुँच के मिलता। ये वाली शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। टू टू पीस हैं ये। इस सारे जैसे कपड़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी है। शूज डिपार्टमेंट से अवेलेबल। ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला टू पीस। बल्कि थ्री पीस है। ये वाला भी अच्छा है। ये भी थ्री पीस सूट है। गला भी अच्छा लग रहा है। ब्लू कलर अच्छा लग रहा है, सिंपल हल्की सी, बस ज़्यादा वो नहीं है। हाँ ये वाला दुपट्टा देखो इसका कितने का। एक ये वाला भी सूट है, थ्री पीस सूट है। दुपट्टा भी सर खाड़ी नेट का, 5000। और ये कोटी वाला सूट है, ये अच्छा लग रहा है। शॉर्ट शर्ट है, खूबसूरत लग रहा है ये वाला। और हैप्पी 5500 का, 5000 का। इधर सारे बैग की क्वालिटी भी अच्छी है। इधर परफ्यूम की क्वालिटी भी बहुत अच्छी अच्छी है। इधर इतने सारे परफ्यूम सेट हैं रीजनेबल, अगर आप लोगों को गिफ्ट देना हो तो आप लोग ले सकते हैं। शैम्पू में ये वाला इस्तेमाल करती हूँ, ट्रेस्मे का, ये वाला ले। ये हेयर मास्क है बुकाली के, ये वाले बहुत अच्छे होते हैं। इसमें का पर्पल वाला मैंने यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर सारा फ्रेश मीट होता है, हमारे घर में यहीं से जाता है। हम लोग आ गए थे तो हम लोग का प्राइस ले रहे हैं। तो मैं घर आ चुकी थी, मैंने फ्राइज लिए थे, मैंने फ्राइज खा चुकी हूँ मैं। तो मैंने जो लिया ज़्यादा मैंने कुछ नहीं लिया अपने लिए, जो मैंने लिया वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जो मैंने सामान लिया है वो इसके अंदर है, दिखाती हूँ। जब भी जाती हूँ तो कॉस्मेटिक की उधर से मैं अपने लिए कोई ना कोई चीज़ें लेकर आती हूँ। तो मैंने ये ली है वाइट पेंसिल, और ये लिए ये लिपस्टिक, और इसका जो शेड है वो है 07। और ये लिया मैंने निविया का है सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइज़र। और ये एक मैंने कैस्टर लिया है, फैंसी सा काम आता है बहुत। और एक ये वाली ली है मैंने, ये वाली लिपस्टिक, और इसका शेड है वो 05। और ये ऊपर से खुलती है, और इसका जो कुछ इस तरीके से। और एक ये वाली ली है, और इसका जो शेड है वो है 338। खोल के देखते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके से दिखती है। सारे न्यूड शेड हैं, हम लोग डार्क शेड लगाते नहीं हैं, तो न्यूड ही शेड हैं सारे। और ये लिया है रिवाज का है ये मस्कारा। अब हम जब भी जाते हैं मस्कारा ज़रूर लेकर आते हैं, ये शायद कोई ना कोई अच्छा हो जाए। तो इसके रिव्यूज़ मैंने काफ़ी अच्छे सुने थे, तो मैंने लिया है। और इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है,
ओपन करके देखते हैं कि इसका ब्रश कैसा है। तो इसका कुछ इस तरीके का है, अब देखते हैं कैसा है। इसका भी रिव्यू देंगे। जो मेन चीज़ है वो है ये, वो काली का है ये, विटामिन ई का है ये, हेयर मास्क है ये, और इसको लगाने से लगता फिर ग्लास हेयर हो गए, और मतलब काफ़ी अच्छा है। और ये कैरेटिन वालों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है, तो ये मैंने लिया। मैंने इसकी बहुत अच्छे रिव्यूज़ देखे थे, मैं यूज़ कर चुकी हूँ इसका। एक पर्पल में भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ। इसका पिंक की मैंने बहुत तारीफ़ सुनी थी, इसका पिंक हो तो वो बहुत अच्छा होता है, तो ये मैंने लिया है। अब देखते हैं ये कैसा है, क्योंकि मैंने पर्पल वाला यूज़ किया था तो उसके तो बहुत ही वो बेस्ट था। पिंक वाले की मैंने ज़्यादा तारीफ़ें सुनी थी, ये पिंक वाला ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने ये। अगर आप लोग को भी अगर कहीं दिखे तो आप लोग ये ज़रूर लें, बहुत अच्छा ये हेयर मास्क है। और मैं ये कब से ढूंढ रही थी, इसका जो पर्पल वाला था वही मैंने इधर से लिया था चेस से, ये वाला मुझे लेना था लेकिन ये आ नहीं रहा था। ये पिंक जो है कैरेटिन का है, ये वाला बहुत बेस्ट है, ये वाला आ नहीं रहा था। और ये चेस वगैरह में भी ना इम्तियाज़ वगैरह कहीं पर भी नहीं आ रहा था, कि ना ही इत पे था, लेकिन हम मेरा चक्कर नहीं लग रहा था, मैंने नहीं लिया। तो अगर आप लोग लें तो बताइएगा, ये वाला बहुत बेस्ट है, ये वाला हेयर मास्क बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। एक बार फिर मैं आपको उसका नाम दिखा देती हूँ, वो काली का है ये वाला हेयर मास्क। और ये मैंने ली, ये निविया की क्रीम है, ये भी बहुत अच्छी है मॉइस्चराइजर। और ये एक आईलाइनर लिया, और अभी मैंने ये यूज़ किया तो इधर लग गया थोड़ा सा। और अब मैंने अपना पॉपकॉर्न लिया था, और ये मैंने एक सीरम लिया था वंडर एसेंस का, ये सीरम है ये बेस्ट। और ये मैंने फेस मास्क लिया है, और ये मैं पहले भी मैंने यूज़ किया हुआ ये वाला, तो ये बहुत अच्छा है। पहले मैं दो और लेकर आई थी, वो भी बहुत अच्छे थे, तो मैंने ये वाला भी लिया। और कॉटन बर्ट, हाँ एक और चीज़ ये मुझे इसके बारे में बात करनी थी। मैंने एक ब्लॉग डाली थी जिसमें मैंने ग्लूबर टोन आपको दिखाई थी, मैंने कहा था कि मैं आपको उसका रिव्यू दूँगी, तो मैंने उसको अच्छे तरीके से मिक्स वगैरह करके मैंने इस कंटेनर में उसको रख दिया था, और मैंने ये यूज़ की, और ये इतनी बेस्ट है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो अगर आप लोग को भी मिले तो आप लोग ये नहीं समझेगा कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत अच्छी है। ग्लूबर टोन के साथ जो इसकी क्रीम मिलती है वो बेस्ट है, अगर आप लोगों को चाहिए हो तो आप लोग लें, मतलब मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी है। मैंने कहा जब मैं रिव्यू दे ही रही हूँ तो मैं इसका भी रिव्यू दे दूँ। ये मैंने मंगवाया था BNP का, ये फेस वॉश है, राइस ग्लो डीप क्लिनजिंग फेस वॉश मैंने लिया था, जो मैंने आपको व्लॉग में भी दिखाया था। तो मैंने कहा इसका भी रिव्यू मैं आपको दे दूँ, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब इसको फेस वॉश करने के बाद बहुत अच्छा ग्लो भी आता है, अगर आप लोग लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तभी मैंने आपको इसके रिव्यू दी, कि मैंने आपको दिखाया था तो इसकी फुल बॉटल थी, अब मैंने इसको इतना तो कर ही दिया है, तो मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ। ये बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट आया है, और मुझे बहुत अच्छा लगा इसका। वो भी था मैंने मंगवाया था डार्क सर्कल्स का, वो भी अच्छा है, उसका भी मैं आपको रिव्यू ज़रूर दूंगी। इसके साथ मैंने ये मंगवाया था डार्क सर्कल्स का है, था ये छोटा सा ट्यूब है, ये वाइट कलर का है, इस वजह से नज़र नहीं आएगा, ट्रांसपेरेंट हो तो नज़र पे आता है कि मैं इसको आधा कर चुकी हूँ। और ये भी बहुत अच्छा है, मतलब जितने भी डार्क सर्कल क्रीम लगा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इससे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ा है। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं, मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपको रिव्यू दिया है इसका, ये बहुत अच्छा है। घर में आते साथ मम्मा बना रही हैं कोफ्ते आलू का सालन, तो आज हमारे घर खाने में ये है। तो कोफ्ते तैयार हो चुके हैं, बस हम खाना खाएंगे, और उसके साथ ये बना है चावल, बने बॉइल्ड राइस और कोफ्ते, तो आज का खाना ये है। रात में क्रेविंग होती है कॉफ़ी की, तो हमने कॉफ़ी मंगवाई है। तो अभी आया है ये अल्फ्रेडो पास्ता,
तो मैं इस ब्लॉग को इधर से एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें कि मेरी आने वाली वीडियो सबको सबसे पहले देखने को मिले। तो अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।